द्रौपदी के तो 5 पांडव थे, यहाँ तो सिर्फ 2 ही हैं। ये डायलॉग है हेट स्टोरी 4 का और इस डायलॉग ने काफी हेट खड़ा कर दिया है उर्वशी राउतेला के लिए। बताया जाता है कि उर्वशी राउतेला को डेथ थ्रेट्स मिलने लगी हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और इन धमकियों के बारे में खुद उर्वशी ने ही पहले पब्लिक को बताया था। और अभी एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये रूमर्स नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी कि पहले फिल्म देखें, हमने एज एक्टर्स ये फिल्म बनाई है और हम सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का हमारा कोई मोटिव नहीं होता। हाँ, ये फिल्म में डायलॉग है लेकिन किस कंटेक्स्ट में है वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर आप फिल्म देखेंगे तब वो पता पड़ेगा कि हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाया है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल बहुत ज्यादा सेंसिटिव माहौल हो चुका है, अगर आप कुछ भी ऐसा बोलते हैं तो लोगों को बुरा लग सकता है, इसलिए सोच समझ के बोलना पड़ता है। आपको बता दें कि उर्वशी राउतेला हेट स्टोरी 4 में एक सुपर मॉडल का रोल प्ले कर रही हैं और इस बार जो रिवेंज होगा वो किसी लड़के का रिवेंज होगा। अब तक की हेट स्टोरी सीरीज में अक्सर रिवेंज गर्ल्स की साइड से हुआ करता है। हेट स्टोरी 1, 2 और 3 काफी पॉपुलर तो रही हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सिर्फ हेट स्टोरी 1 का सबसे अच्छा था। देखना यह है कि हेट स्टोरी 4 कितनी कमाई कर पाती है।